तो गाइस आपने भी वीडियोस देखे होंगे जो कि अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, लाइव सब्सक्राइबर काउंटिंग वाला, जो कि बहुत सारे क्रिएटर अपने चैनल का लाइव सब्सक्राइबर काउंटिंग का वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और इसमें रिएक्शन करके वीडियोस बना रहे हैं, जिसका देख सकते हैं मिलियनों में व्यूज जा रहा है। तो गाइस आपको भी जानना किस प्रकार से लाइव सब्सक्राइबर काउंटिंग होता है और वो कहाँ होता है, मैं आप लोगों को पूरा बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप लोग फॉलो करते जाइएगा, जिसकी वजह से आप लोगों को भी आप अपनी सब्सक्राइबर काउंटिंग को जान सकते हो। तो बहुत सारे क्रिएटर आप लोगों को बताते हैं लेकिन वो बहुत ही लंबा प्रोसेस कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर आप लोगों को समझ में आता है और उसे आप लोग ओपन करते हो अपने YT स्टूडियो को क्रोम ब्राउजर के अंदर, लेकिन वो डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर के अंदर ओपन होकर YT स्टूडियो में नॉर्मल सा ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत सारे दिक्कतों का फेस करना पड़ता है। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, बस उसको बस सर्च मारेंगे तो आपका डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर के अंदर YT स्टूडियो नॉर्मल सा ओपन हो जाएगा। आपको कोई कस्टम थंबनेल नहीं, कोई किसी तरह का कोई मैनेज वीडियो पे क्लिक ही नहीं करना, ठीक है, आपको कोई और चैनल किसी तरह कोई दिक्कत की नहीं बात, आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूं। तो गाइस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरा समझ में आएगा और आप लोग अपने चैनल को में वीडियोस बनाने के लिए अपने चैनल पे किस प्रकार से लाइव सब्सक्राइबर काउंटिंग देखा जाता है, मतलब वहां पे काउंट किया जाता है, उसको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट कर दे उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए आप लोग अपने फोन के स्क्रीन पे ले चलते हैं, वहीं से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं किस प्रकार से लाइव सब्सक्राइबर काउंटिंग देखा जाता है। चलिए अपने फोन के स्क्रीन पे आप लोगों को लेके चलते हैं। तो गाइस आप लोगों को अपने फोन के स्क्रीन पे आ जाना है और नॉर्मल सा क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना, ठीक है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पर सर्च वाला, इसमें जो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसी को नॉर्मल सा आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना, अनदर कोई चीज को यहाँ सर्च नहीं करना, जैसे कि youtube.com इस प्रकार से सर्च नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप लोग क्या सर्च करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका स्क्रीन में दिखता होगा कि मैं जो सर्च करने वाला हूँ यहाँ पर आपको पहले से शो कर देगा, तो यहाँ पर आप लोगों को सर्च मारना studio.youtube.com, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सर्च मार लेते हैं, ठीक है, studio.youtube.com, ठीक है, youtube.com, ठीक है, आपको नॉर्मल सा studio.youtube.com सर्च मारना, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं मेरा studio.youtube.com और उसके बाद आगे का उस इंटरफेस वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको तीन चीज यहाँ पर सर्च मारना, ये यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से स्टूडियो में लिखा उसके बाद सटा के ये मतलब डॉट दिया है, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब मैंने मतलब गैप मैंने नहीं रखा, किसी प्रकार का कोई गैप नहीं रखना, ठीक है। स्टूडियो डॉट साथ ही साथ यूट्यूब डॉट फिर उसके बाद कॉम, ठीक है, इन तीनों को सर्च मारना, ठीक है। सर्च मारने के बाद आपको इस प्रकार से एंटर कर देना, जैसे आप लोग इसके एंटर करोगे ना तो आपका ये डायरेक्ट YT स्टूडियो को क्रोम ब्राउजर के अंदर ओपन कर देगा। जो बहुत सारे क्रिएटर बताते हैं पहले यूट्यूब सर्च मारो फिर योर चैनल पे जाओ उसके बाद कस्टमाइज चैनल पे जाओ, इन सभी को आप लोगों को लफड़ा नहीं करना है, ठीक है। आपका डायरेक्ट इस प्रकार से तीन कीवर्ड सर्च मारना है और ये डायरेक्ट आपका YT स्टूडियो क्रोम ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। आगे का कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद देख सकते हैं आपका ये YT स्टूडियो ओपन हो जाएगा क्रोम ब्राउजर के अंदर, जो कि यहाँ पर जितना वीडियो आप अगर आप लोग अपलोड किए रहोगे वो यहाँ पर शो करने लगेगा। उसके बाद हल्का जूम आउट जूम करना, ठीक है। जूम करने के बाद यहाँ पर एनालिटिक्स देख सकते हैं, यहाँ पर एनालिटिक्स पे आप लोग को नॉर्मल से चले जाना, ठीक है। एनालिटिक्स पे जाने के बाद आपको यहाँ हल्का वेट करना है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर इतना सारा इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो भी वीडियोज का एनालिटिक्स है क्या प्रोग्रेस चल रहा है, कितना व्यूज क्या आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर चेक कर सकते हो। उसके बाद हल्का जूम करना, उसके बाद साइड में देखना, राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर आप इसमें अपना डेट भी लगा सकते हैं कि 90 दिन का, 365 दिन का, मतलब जिस प्रकार से आप लोग यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गया, तो आपको ये नहीं जानना था, आपको जानना सब्सक्राइबर काउंट, यहाँ पर सब्सक्राइबर काउंट लिखा, ठीक है, रियल टाइम अपडेट लाइव, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सी लाइव काउंट, मतलब जो सब्सक्राइबर आपका काउंट हो रहा है यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सी लाइव काउंट पे क्लिक करना, सब्सक्राइबर सी लाइव काउंट पे जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका इस प्रकार से प्रोसेसिंग होगा और आगे के कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा अभी लगभग 3106 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है तो मेरे चैनल पे, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका दिखेगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर नीचे ग्राफ आप लोगों को देख सकते हैं चैनल ग्रोथ टोटल सब्सक्राइबर, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइबर का भी ग्रोथ बढ़ रहा है, धीरे धीरे मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर चैनल को मतलब अपने लाइव सब्सक्राइबर काउंटिंग को देख सकते हो और इसे आप चाहो तो वीडियोस बना सकते हो, जैसे कि मैं इस प्रकार से इसे जूम कर लूँगा, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसे जूम कर लूँगा और इस प्रकार से मैं स्क्रीन रिकॉर्डर कर लूँगा और अपने वीडियोस अपने मतलब इसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लूँगा और अच्छे तरीके से मैं वीडियोस बना सकता हूँ, जो कि अभी ट्रेंड में चल रहा है, जो लाइव सब्सक्राइबर काउंटिंग को रिकॉर्ड कर रहे हैं और अपने वीडियोस में अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 मतलब जिसका भी जिस प्रकार से चैनल है उस प्रकार से वीडियोस बना रहे हैं और यहाँ पर
काउंट करके दिखा रहे हैं, इस प्रकार से आप भी वीडियोस को बना सकते हो। तो आई होप आप लोगों को आज का ये इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो को पसंद आया ना तो वीडियो को बस एक लाइक करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।